फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आपने देखा, मैंने शुरू में लिख रखा है कि मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो मतलब कि बारात के तैयार होते समय, जाते समय मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ। क्यों नहीं बना पाई, आपको आगे मैं वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं पहले बता दूं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो जब बारात चली जाती है तो नाइट में हमारे यहाँ दहिया गिनने की रस्म होती है, मतलब दहेज गिनने की रस्म बोलते हैं इसको। तो आप लोग यहाँ भी होती कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हमारे यहाँ मतलब जैसे जैसे उधर मतलब लड़की के यहाँ शादी होती है, वही सारी रस्में यहाँ पर की जाती हैं, मतलब नकली का और हंसी मजाक किया जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये मेरी मम्मी है, मतलब सास और चाची सास और ये जेठानी है, तो सब लोग मिल करके यहाँ पर कर रहे हैं। मतलब एक मटकी होती है, उसको फोड़ा जाता है और फिर मतलब ऐसे दूल्हा दुल्हन नकली के बनाए जाते हैं और सब उसी तरह की शादी की रस्में की जाती हैं, ऐसे झूठ मूठ को, और बहुत ही मजा आता है। तो आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग के यहाँ ये ऐसा किया जाता है कि नहीं, मतलब कि सारी लेडीज ही बस उस दिन रहती हैं जब बारात चली जाती है, तो फिर सब लोग मिल करके रात भर मंडप के नीचे ये रस्म मनाते हैं। और बोलते हैं कि मंडप को खाली नहीं छोड़ना चाहिए उस दिन जिस दिन बारात जाती है। तो बस यहाँ पर सब लोग कर रहे थे और अब देखिए यहाँ पर ये गिन रहे हैं, मतलब वही जो जितने टुकड़े होते हैं ना उसी को गिन रहे हैं कि क्या मिला है दहेज में, क्या नहीं मिला है। अरे वीडियो नहीं है, फिर यहाँ पर ना ये लोग ऐसे मजाक कर रहे थे, तो मैं यहाँ पर वो ओरिजिनल वॉइस में नहीं लगा सकती हूँ। देखिए ये लड़की और लड़का बने हुए हैं और फिर इसके बाद डायरेक्ट मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि बारात आ चुकी है और यहाँ पर सब लोग डांस कर रहे हैं। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसा आप लोग को पता है, इस समय मैं अपने देवर जी की शादी एंजॉय कर रही हूँ और चालू है, और अभी हम लोग जा रहे हैं माता जी के यहाँ तेल उतारने के लिए। और ये है मेरी देवरानी, ये है देवर जी, सज गए हैं, बस जा रहे हैं हम लोग। और ये सामान मम्मी ने मुझको पकड़ा दिया है, ये टोपरी में और इधर है मेरी मम्मी। चले आरसू चलो। फिर ये यहाँ पर ये जो मेरा ब्लॉग है, ये दुल्हन आने के दो दिन बाद का ब्लॉग है। मतलब यहाँ पर पानी उतारने जाते हैं महारानी में, और पहले दिन तो मतलब बाबा साहब की पुजाई होती है, फिर मतलब दिन लगा के किया जाता है, तो मतलब दिन जल्दी जल्दी ही आ रहे थे। तो फिर यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, थोड़ी सी दूर में थी माता जी का मंदिर, तो बस वहाँ पर सब लोग जा रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए दुल्हन भी हैं और मतलब सब लोग घर के हैं, और यहाँ पर हम लोग किसी का इंतजार कर रहे थे और लोग आने वाले थे, तो
तो बस यहाँ पर हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़े से पिक्चर्स वगैरह ले लेते हैं, तो बस यहाँ पर खड़े होकर के हम लोग फोटो वगैरह ले रहे थे। तो ना धूप भी तेज हो रही थी और सब लोग जा रहे थे, बस पैदल ही जाना था, थोड़ा सा दूर में था। तो ये देखिए, ये आगे हैं दूल्हा और दुल्हन, और ये मेरी ननद है, और यहाँ पर सब लोग हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि एक मतलब कि बहू होते हुए और घर की जिम्मेदारी उठाते हुए और फिर वीडियो बनाना, ब्लॉगिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और मतलब कि अगर किसी दूसरे को दे दो ना शूट करने के लिए बच्चों को, तो बच्चों को इतना समझ में नहीं आता कि कैसे करना है, कभी किधर करेंगे कभी किधर। बट हाँ, थोड़ा बहुत मैंने खुद भी शूट किया है और बच्चों से करवाया है। लेकिन जिस दिन बारात जा रही थी ना, मैं बता दूं आपको कि आपको जो मैं पिक्चर में साड़ी पहने दिखूंगी ना, तो अच्छा हुआ था कि मैंने वो मॉर्निंग से ही पहन लिया था, क्योंकि बारात जाते समय मैंने सोचा था कि चेंज करूंगी बढ़िया, मतलब कि सारा साड़ी चेंज करूंगी और उसके सेट का पूरा पहनूंगी मैचिंग का। लेकिन ऐसा हुआ कि जाते समय, क्योंकि बच्चों को भी तैयार करना था, वहां पर बारात तैयार होने लगी, उनके वो सामान देना और हर चीज, कोई कुछ मांग रहा कोई कुछ मांग रहा, और फिर बच्चों को तैयार करना क्योंकि बच्चे भी बारात जा रहे थे, तो इसलिए मतलब कि फिर मैं वहां पर बिल्कुल सूट नहीं कर पाई। और फिर पता है मैं मोबाइल भी कहीं रख अगर मैं मान लीजिए मैं सूट कर रही हूं और फिर कोई किसी ने कुछ बोल दिया, फिर मैं वहीं पर मोबाइल रख देती, और मतलब कि इस तरह से मोबाइल घूमने का भी वो था, कई बार तो मैं भूल जाती थी मैंने कहां पर मोबाइल रख दिया। इसलिए मैंने सोचा कि चलो, जैसे कि अगर कोई एक रहता है जिसको पकड़ा दो कि वो हाँ अच्छे से सूट कर ले और फिर मोबाइल रख, मतलब कि संभाल करके रखे, तो फिर तो हो जाता है। अगर अपने को ही सब कुछ करना है, उधर सब कुछ देखना है और मतलब वीडियो भी बनाना है, तो फिर नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने वहां पर शुरू में कुछ पिक्चर्स ही लगा दी हैं। और फिर अगर मतलब कि अगर मान लीजिए आपके सामने तो कोई नहीं बोलेगा, बट हाँ आपके पीठ पीछे तो जरूर मतलब बोलेंगे ही, कि क्योंकि शादी वगैरह में इतने सारे लोग होते हैं और सब लोग तो नहीं समझते हैं ना कि क्या होता है ब्लॉगिंग, क्या होता है वीडियो बनाना, तो फिर लोग तो बोलेंगे ही कि कैसे बहू लेकर के फोन घूम रही है इधर उधर, कुछ काम वगैरह नहीं है क्या। और मतलब कि सामने तो कोई नहीं बोलेगा, और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि सामने भी बोल देते हैं शादी वगैरह में, ऐसा तो है नहीं, बट पीठ पीछे तो बोलेंगे ही, और फिर अपने को भी लगता है कि कोई क्या बोलेगा। तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब कि उस दिन नहीं कर पाई, बट मैं कोशिश कर रही थी उसके बाद के मैं यहाँ पर ब्लॉग शूट कर सकूं, और बच्चों को भी मैं बोल रही थी। लेकिन बच्चे क्या है, उतना ध्यान से मतलब कि मोबाइल भी ध्यान से नहीं रखते हैं, कहीं रख दें कहीं हो जाए, तो इसलिए घूमने का भी डर रहता है। तो बस थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती ही है। अगर आप भी बहू होंगी, आप भी ज्वाइंट फैमिली में हैं और ब्लॉगिंग करती हैं, तो आप लोग को ये पता ही होगा। अगर नहीं भी ब्लॉगिंग करती हैं तो भी आप लोग समझ सकती हैं। और बस फिर यहाँ पर माता जी का हम सब ने पूजा की, फिर रास्ते में एक शिव मंदिर भी था मतलब घर के पास में, फिर हम लोग वहां गए, जल चढ़ाया, वहां पर हमने पूजा की। मतलब कि अगर नई दुल्हन आती है तो यहाँ पर पूजा पाठ का तो काम करना ही होता है भगवान के पास जा करके। और बस फिर हम सब लोग यहाँ पर लौट रहे थे। तो ये मेरा शादी का तीसरा ब्लॉग है, इससे पहले भी मैं दो ब्लॉग डाल चुकी हूँ, मतलब कि तिलक का, हल्दी का, तो आप लोग उस जरूर देखिएगा, हल्दी का ब्लॉग तो जरूर देखिएगा, उसमें हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की थी। और मैं आपको बता दूं कि हल्दी के दिन ही हमने जो कुछ एंजॉय किया तो किया, फिर उसके बाद तो और ही बिजी डे हो गया और मतलब कि बहुत ही व्यस्त हो गए फिर उसके बाद तो। और कहते हैं ना कि घर की शादी में हम खुद उतना एंजॉय नहीं कर पाते हैं,
बट कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। और मतलब कि जैसा होना चाहिए, जैसे मतलब एक सोचते हैं जब शादी नहीं हुई रहती ना, सोचते हैं सब कुछ अरेंजमेंट कैसे होगा, क्या होगा, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, बट भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया, दुल्हन आ भी गई और सब कुछ बढ़िया से हो गया। तो आप लोग मेरे पिछले वीडियो जरूर देखिएगा, और इसी तरह से आगे भी मेरे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इसी तरह से फैमिली ब्लॉग देखते रहें। और अगर आप चाहें तो मेरे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, अगर आप किसी को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को दिखाना चाहें तो मतलब शेयर भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।